आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो एक दो लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। पहले तो एक दो लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे।